5 मिनट के अंदर अंदर ये बस स्टैंड गोवाड़ी जो है यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। इससे पहले मैंने एक खबर की, जिस खबर में मैंने आपको ये बताया कि इस बस स्टैंड गोवाड़ी में चार चार लाइनें जो है वो गाड़ियों की लगी थी, मगर 5 मिनट के अंदर अंदर थानेदार गुंदो, जिन्हें सिंगम के नाम से जाना जाता है, वो इसी बस स्टैंड गोवाड़ी में पहुंचे। और अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है अब बदल चुकी हैं, हालात जो है अब बदल चुके हैं। अब इस बस स्टैंड में आपको सिर्फ सन्नाटा दिखाई देगा और आपको ये सुनसान बस स्टैंड दिखाई देगा। फिलहाल इस तरफ भी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ जवान तैनात, उसके बाद खुद थानेदार जो है यहाँ पे अभी आए हुए हैं, और जितनी भी यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स थी उनको हटाया गया है, जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स थी उनको हटाया गया है। बस स्टैंड गुवाड़ी में ये दस्तूर रहा है कि हमेशा यहाँ आपको जाम देखने को मिलेगा, करीबन करीबन 1 घंटे 2 घंटे भी कभी कभी पैसेंजर्स को यहाँ पे रुकना पड़ता है, और सिर्फ पैसेंजर को नहीं बल्कि गाड़ी चालक को भी यहाँ 1 से 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है कि कब यहाँ पे जाम खुले और हमें आगे जाने का मौका मिले। फिलहाल आप सूरत हाल देखें, ये सूरत हाल है 5-10 मिनट पहले आपने देखा होगा कि बस स्टैंड गुवाड़ी में किस तरीके से जाम लगा हुआ था, और 1-1, 2-2 घंटे जो है गाड़ी चालक परेशान थे। गाड़ी चालक को ये समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे जाएं या पीछे जाएं, मतलब हिलने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी भारत पेट्रोलियम जो है, कोई भी पेट्रोल पंप यहाँ पे तैनात नहीं है, मगर अचानक से यहाँ पे एक पेट्रोल गाड़ी आती है, एक भारत पेट्रोलियम की गाड़ी आती है, न जाने वो कहाँ जा रही थी। उसके बाद टिप्पर, डंपर, ट्राली ड्राइवर्स, ये तमाम लोग जो है सुबह शाम इसी सड़क से गुजरते हैं। उसके बाद कमर्शियल गाड़ी, और अब तो अब इतना ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में ऑटो का भी यहाँ एक बहुत बड़ा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल सूरत हाल देख लीजिए आप कि 5 मिनट के अंदर अंदर ये बस स्टैंड गुवाड़ी जो है वो अब खाली हो चुका है, यानी यहाँ गाड़ी चालक जो है आराम से इजिली जो है मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। जो भी गाड़ी चालक यहाँ से आएगा, कोई भी गाड़ी ड्राइवर यहाँ पे आएगा, वो आराम से अब गुंदो की ओर जा सकता है, वो कहीं और जा सकता है, जिसने चंगा की ओर जाना है, गोइलबाड़ की ओर जाना है, सोती डुडवार की ओर जाना है, वो आराम से अब जा सकता है। इस सन्नाटा अभी छाया हुआ है। इस तरफ भी कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ये सुबह से ही काम कर रहे थे, मगर शायद जो लोग हैं या गाड़ी चालक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, और अचानक से यहाँ पे गाड़ियां जो है लगी रहती हैं। प्राइवेट व्हीकल्स सुबह शाम यहाँ पे, मतलब सुबह 8 बजे यहाँ पे लगाई जाती हैं, और उसके बाद शाम को यहाँ से 5 से 6 बजे के आसपास यहाँ से हटाई जाती हैं। मगर बस स्टैंड गुवाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। पार्किंग के लिए अगर बस स्टैंड बनाया गया है तो करीबन करीबन आपको यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, और उसके बाद तवाई के इलाके में वहाँ बस स्टैंड भी बनाया गया है, आप वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और जितने भी मार्केट के लोग हैं वो तमाम लोगों को 1 किलोमीटर का सफर आना और 1 किलोमीटर का सफर जाना, यानी 2 किलोमीटर का सफर जो है उन लोगों ने तय करना है, उसके बाद ही वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर उनके पास ये ऑप्शन नहीं है तो फिर अचानक से आपको एक लंबी कतार, जितने भी यहाँ पैराफेरी में जितने भी यहाँ दुकानदार हैं वो तमाम लोग जो हैं यहीं पे गाड़ी लगाते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां एक कमर्शियल व्हीकल ओनर को, कमर्शियल गाड़ी चालक को, तमाम चीजें दरकार आती है, उसको इतनी सारी परेशानियां आती हैं। और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है शाना बशाना यहाँ से जाती हुई, और इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये गाड़ियां जो है किन लोगों की है, ये गाड़ी जो है किसने लगाई है। इस गाड़ी का नंबर JK06B5155 है, और उसके अलावा यहाँ भी शायद मार्केट चेकिंग की जा रही है, एक बच्चे से पूछा जा रहा है। मुर्गे अंदर ले लो, अगर आपको डिस्प्ले करना है एक रखो मुर्गा, वो भी जाली में बांध, या तो फ्रीजर काउंटर बनाओ उसी में रखो, बाकी फ्रिज के अंदर रखो। इतने लड़काने क्या फायदा है आपको, आपको दिखाना है ना मैं चिकन बेच रहा हूँ, मीट बेच रहा हूँ, उतना ही रखो जितना आपको दिखाना है और कवर करके, ठीक है। और आप कितने सिलेंडर रखते हो आप अंदर दुकान के अंदर? एक सिलेंडर रखते हो, उसको जब आप निकलते हो दुकान बंद करके उसको पूरा चेक करना है कि बंद करके पूरा, ठीक है, ऊपर खोल के बंद करके, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं रखना है, जब खत्म होगा तो नजदीकी मिल जाता है आपको, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। और प्रिकॉशनरी और जो है ISI मार्क की जो है आप पाइप और वो लगा लोगे, ठीक है ना, और पूरा अच्छे से बंद करके ऊपर ऑन बंद करके फिर निकलना, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं, किसी रब ना करे कोई गैस का हादसा हो गया, कहीं गैस लीक हो गई, कहीं
कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर राबी बचाएगा हमें। पिछली बार देखोगे इंसिडेंट जब हुआ था हमारे यहाँ तो फिर बड़ा कंट्रोल करने में मुश्किल आता, ठीक है ना। ये कहाँ के बेटा आप, कौन है आपके, आप ही चलाते दुकान? हाँ, कितने स्टैंड रखते हो आप दुकान पर? हाँ, एयर जब निकलते हो ना शाम को घर, तो बेटा अच्छे से बंद करना है उसको, ऊपर से निकालना है और कोशिश करने की जो आप पाइप लगाते हो ये ओरिजिनल लगानी है, ठीक है ना। रुपये 50 के लिए 100 के लिए कंजूसी नहीं करनी है, जिससे कोई वादा हो जाए तो पूरी हमें धन्यवादा भुगतना पड़ेगा हर एक को। तो कोशिश करो कि फायर एक्टिविशन रखना चाहिए, छोटा सिलेंडर आता है ना, रब ना करे कहीं आग भी लगी तो इमिडिएटली काबू पाया जा सकता है। जब इस समय हम कहीं बढ़ गई थोड़ी बहुत आग, फिर अगर हम 10 फायर ब्रिगेड भी लाएंगे फिर कंट्रोल नहीं होता है। अगर थोड़ी बहुत आग कहीं लग गई रब ना करे, थोड़ा सिलेंडर आता है फायर एक्टिविशन का, वो स्प्रे मार दिया तो वहीं पर कंट्रोल हो जाता है वो, ठीक है। चलो चलो, तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनको ये गाइडलाइंस दी गई हैं, हिदायतें दी गई हैं कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे साथ ही साथ रखना है। और जो बर्चर शॉप हैं यानी कसाईयों की दुकानें हैं उन तमाम लोगों को भी ये गाइडलाइंस, ये हिदायतें दी गई हैं कि आप अगर आप चिकन बेचते हैं तो इसको भी आपने वेल ड्रेस करना है, बाहर से आपने कपड़ा वगैरह इस पे के ऊपर रखनी है। ये तमाम हिदायतें अभी तक थानेदार साहब यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल एक यहाँ पे होटल भी है जिसको ये कुछ हिदायतें वगैरह इनको भी दे रहे हैं। तो निकालो गाड़ी यहाँ से, आप लोग यार गाड़ी निकाल लगाओगे यहाँ पे तो कस्टमर कहाँ रहेगा आपको? तो करो कि आप ही गाड़ी लगाओ दूर, वो नीचे लगा दो रोड पे, ठीक है ना। निकालो आप अपनी गाड़ी, इसको भी निकाल दो प्राइवेट गाड़ी, अब शॉपकीपर खुद गाड़ियां लगाएंगे तो लोग कहाँ कस्टमर रुकेगा। तो अजान का वक्त हुआ है, फिलहाल अजान का वक्त हुआ है मगर जो गाड़ियां यहाँ पे अभी तक लगी थी तमाम गाड़ियां जो हैं अब खाली हुई हैं। तो फिलहाल यहाँ थानेदार साहब एक स्कूटी के कागज भी चेक कर रहे हैं, हेलमेट वगैरह आपकी सेफ्टी है, ठीक है ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए, बाकी वो उस चीज के लिए हमसे डर के नहीं लगाना है आपने। आप सोचना है कि मेरा परिवार वेट कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ वैसे रोड नहीं है, कच्चे रोड है, कोई ओवरटेक करके गाड़ी आएगा आपके लिए, आपके लिए, ठीक है ना। चले शबर निकालो बेटा गाड़ी आपकी, चलो। तो फिलहाल इस लाइव को मुझे कट करना होगा, उसके बाद एक और जो है वीडियो में शूट जरूर करूंगा जिसमें मैं साफ तौर पे बताऊंगा कि कौन कौन सी गाइडलाइंस जो है यहाँ पे थानेदार ने अभी तक दी हैं, क्या कुछ दिक्कतें और परेशानियां आम लोगों को आती हैं और क्या कुछ दिक्कतें और परेशानियां यहाँ के जो बाजार में काम करने वाले लोग हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, उनको क्या क्या दिक्कत